हाय फ्रेंड्स, पेबल्स में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे फोनिक्स हिंदी में। चलो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। जी हाँ, ये 26 लेटर्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इस वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के अलग अलग साउंड होते हैं। ये साउंड को हमें इस फोनिक्स थ्रू समझना है, उसे अच्छे से पहचानना है और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो वर्ड्स है, जो स्पेलिंग है, उसे हमें साउंड से समझकर रीड करना है। दिस इज ऑल अबाउट फोनिक्स। यही है फोनिक्स। ओके, तो चलो हम सीखेंगे अलग अलग लेटर्स के अलग अलग साउंड और जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट मिलकर जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके साउंड सीखेंगे दिस फोनिक्स थ्रू। चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट साउंड से, मींस ए। ए का साउंड क्या है? चलो, एक दिन एनी नाम की एक लड़की थी। वो लड़की गार्डन में गई। कौन से गार्डन में? पता है, एप्पल ट्री के गार्डन में। वहां पे वो एप्पल ट्री पर चढ़ रही थी। कौन से ट्री पर? यस, एप्पल ट्री पर। चढ़ते चढ़ते क्या हुआ पता है? वहां पे बहुत सारी एंट्स थी, तो उसमें से एक एंट ने उसे कहां पे काटा पता है? एंकल पे। एनी नाम की लड़की को एप्पल ट्री पर चढ़ते चढ़ते एंट ने एंकल पे काट लिया। ओह माय गॉड! और काटने पर एनी ने जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? एह एह एह। यस, गॉट इट। ए का साउंड है एह एह एह। ये साउंड है ए का, लेटर ए। ए वो वॉवेल भी है और उसका साउंड है एह एह एह। ओके, अपने साउंड समझ में आ गया। अब हम उससे शुरू होते हुए जो वर्ड्स है वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे लेटर ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। सबको पता है ए फॉर किस। वेरी गुड, एप्पल। ए फॉर एप्पल। और कौन से वर्ड बताएंगे आप? ए फॉर यस एलमंड। ए एल एम ओ एन डी। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ए है। मतलब ये सारे कौन से हैं? दोनों वर्ड्स ए से शुरू होने वाले वर्ड्स। और नेक्स्ट आप बताएंगे, एम्बुलेंस। यस, वेरी गुड, एम्बुलेंस। नेक्स्ट एलिगेटर। वेरी गुड, एलिगेटर। दिस ऑल वर्ड्स ये किससे स्टार्ट हुए हैं? लेटर ए से स्टार्ट हुए है। सो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एलमंड, ए फॉर एम्बुलेंस और ए फॉर एलिगेटर। ये सारे वर्ड्स ए से शुरू हुए हैं। सो हम बता सकते हैं कि व्हाट फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल और साउंड है एह एह एह। ओके, अब हम सीखेंगे लेटर बी का साउंड। तो उसके लिए स्टोरी हो जाए। चलो, एक बिल्लू नाम का बिग बैर था। उसके पास क्या था पता है? बिग बलून और ब्लू बॉल। उसे दोनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। कभी बिग बलून के साथ खेलता था, कभी ब्लू बॉल के साथ खेलता था। फिर उसने क्या किया पता है? बिग बलून को साइड में रख दिया और उसने फिर ब्लू बॉल से खेलना चालू किया। उसे बहुत खेला, बहुत खेला और वो खेलते खेलते बॉल को कैसे बाउंस करने लगा। बाउंस बाउंस। और क्या हुआ पता है? वो बाउंस करते करते बॉल से आवाज आने लगी, ब ब ब। गॉट? यस, बी का साउंड है ब ब ब। लेटर बी का साउंड ब ब ब। अंडरस्टूड? सो लेटर बी का साउंड है ब ब ब। अब हम सीखेंगे लेटर बी से शुरू होने वाले शब्द। चलो देखते हैं कौन से शब्द है वो। लेटर बी, लेटर बी से शुरू होने वाले शब्द है फर्स्ट बी फॉर बस।
ब बस. नेक्स्ट है बी फॉर बुक, किताब बुक. नेक्स्ट है बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर और कौन से शब्द हम सीखेंगे? यस, बी फॉर बॉल. वेरी गुड. बी फॉर बॉल, बी फॉर बेल, बी फॉर बेल. सो हियर, यहाँ पे जो भी शब्द बने हुए हैं वो सारे शब्द हैं शुरू हुए हैं लेटर बी से. आप देख सकते हैं सारे लेटर बी से शुरू हुए हैं. बस ब, बुक ब, बटरफ्लाई बॉल एंड बेल ब बेल. ओके, चलो सीखते हैं लेटर सी का साउंड, उसकी स्टोरी. चलो, कर्ली बालों वाली कैमे नाम की लड़की कैप पहनकर कार में बैठी थी और उसने कार की विंडो से क्या देखा पता है? कैफे में बहुत सारी कुकीज रखी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारा क्रीम लगा हुआ था. उसको देखकर कर्ली बालों वाली कैमी क्या करने लगी पता है? अपने बालों को लेकर ऐसे कर्ल अप करके क्या बोलने लगी? क क क. यस, द साउंड ऑफ लेटर सी इज कर्ली कर्ली क क क. अब समझ में आया लेटर सी का साउंड क्या है? कर्ली कर्ली क क क, कर्ली कर्ली क क क. ओके, अब सीखते हैं उससे शुरू होने वाले शब्द. सी फॉर फर्स्ट हम देखेंगे सी फॉर कैट. वेरी गुड. यहां सी से शुरू होने वाला शब्द है कैट. नेक्स्ट कौन सा है? यस, वेरी गुड, सी दैट इज कैमल. सी फॉर कैमल, लेटर सी फर्स्ट लेटर. और कौन से है? यस, वेरी गुड, कैरेट. कैरेट. और सी फॉर केक. वेरी नाइस, केक. यहाँ पे कैरेट का जो फर्स्ट लेटर है वो है सी और यहाँ पे भी कौन सा है? सी. सी फॉर केक. और बताएंगे और कौन सा? सी फॉर कैंडी. वेरी गुड, कैंडी. यहाँ पे भी वो स्टार्ट हुआ है लेटर सी से. सी फॉर कैट, कैमल, कैरेट, कर्ली कर्ली क, केक, क कैंडी. ओके, चलो डी साउंड की स्टोरी करते हैं. ओके, डेविड उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि आज तो उसे टॉयज से ही खेलना है. उसने अपना कबर्ड ओपन किया और उसमें से उसने क्या निकाला? डॉल. वाव, उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद था. फिर उसने क्या देखा पता है? डक, टॉय डक. उसे टॉय डक से खेलना भी बहुत पसंद था. उसने डॉल से भी खेला और टॉय डक से भी खेला. और ये क्या, उसने देखा कि यहाँ पे ड्रम भी है और उसने सब टॉय साइड में रख दिए और उसने क्या किया पता है? ड्रम लिया और ड्रम को बजाने लगा. कैसे? ड ड ड ड. क्या साउंड आया? ड ड ड. यस, द साउंड ऑफ डी इज ड. डी का साउंड है ड ड ड ड ड. वेरी गुड. चलो देखते हैं डी से शुरू होने वाले शब्द. डी फॉर दिस इज डेन. ड डेन. नेक्स्ट इज डी ओ जी डॉग. ड डॉग. नेक्स्ट इज डोर. डी डी फॉर डोर.
Next is dustbin. D. D. Next is doll. आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेटर्स वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कौन से हैं? डी. द. द. डी फॉर देन. डी फॉर डॉग. डी फॉर डोर. डी फॉर डस्टबिन एंड डी फॉर डॉल. ओके, चलो ई साउंड की स्टोरी करते हैं. एली आज बहुत जल्दी उठ गई थी. जल्दी उठने से उसने क्या डिसाइड किया पता है? उसने सोचा चलो कुछ ना एक्सरसाइज की जाए. उसने एक्सरसाइज थोड़ी सी की और फिर उसे भूख लगी इसलिए उसने फ्रिज ओपन किया. फ्रिज से उसने एक एग निकाला और एग को उसने पैन लिया और उस पर टैप किया और क्या आवाज आई? ए ए ए. द साउंड ऑफ लेटर ई इज ए ए. ओके, लेटर ई का साउंड क्या है? ए ए ए. अब हम देखेंगे ई लेटर से शुरू होने वाले शब्द को. चलो देखते हैं. लेटर ई. ई फॉर एलिफेंट. वेरी गुड. एलिफेंट. ओके, ई फॉर envelope. Very nice. Envelope. E for? Very good. What? Egg. E for? Eskimo. यहाँ आप देख सकते हैं सारे letters. E है फर्स्ट. सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कौन से हैं? E. E for elephant, E for envelope, E for egg and E for Eskimo. चलो F साउंड की स्टोरी करते हैं. चलो शुरू करते हैं. एक बार फैनी अपने फार्म हाउस में खेल रही थी. खेलते खेलते उसने क्या देखा पता है? एक जगह पर बहुत बड़ी फायर लगी थी, आग लगी थी. उसके पापा ने तुरंत, मतलब फादर ने तुरंत फ्रेड फायरमैन को फोन किया और फ्रेड फायरमैन फिर अपना फायर इंजन लेकर वहां पे आ गए. और उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने फायर इंजन से बड़ा वाला जो पाइप होता है दैट इज कॉल्ड हॉस, वो निकाला और उसमें से उन्होंने पानी डालना शुरू किया. अभी वहां से जब हॉस में से पानी बाहर आया तो क्या आवाज आई पता है? यस, एफ का साउंड क्या है? द साउंड ऑफ एफ इज यस, एफ का साउंड है. अभी ये बताइए कि F लेटर से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? This is letter F. उससे शुरू होने वाले शब्द हैं F for yes, fan. F, fan, fan. Next है fox, fox. Next है forest, forest. Yes, next है fin. Very good. Fin. यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो words है, शब्द है, उसका first letter कौन सा है? F. Fan, fox, forest और फिन. ओके,